लास्ट क्वेश्चन पेपर्स ऑफ मॉर्फोलॉजी एनाटमी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने 30 साल के पेपर्स के लिए एक जुगाड़ ढूंढा है बिकॉज आज का लेक्चर सिर्फ यह साबित करने के लिए है कि पास्ट ईयर में आपके आज के पेपर के हिसाब से काफी इरेलीवेंट क्वेश्चन आते थे और ये आपको खुद देखने को मिलेगा तो उनको हम एक इंटरेस्टिंग वे में करेंगे जिससे हमारा टाइम बचेगा और पंद्रह ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हम पूरा डिटेल्ड टाइम अगर दे पाए तो उससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं होगा तो वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन सॉल्विंग फिफ्टीन ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स और बचे हुए पंद्रह साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं किस तरीके से आपको चुटकियों में याद कराने हैं वो मेरा काम है सो आई एल श्योरली बी डूइंग दैट राइट सो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखो समझो और एनालाइज करो राइट right? चलिए सो so, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए टेलीग्राम चैनल का नाम है ओजोन क्लासेस और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके साथ साथ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ओजोन क्लासेस 2.0 आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए दैट इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन क्योंकि इस पर वीडियोज आनी स्टार्ट हो जाएंगी कल से तो यहां पर जो है आप कनेक्ट हो सकते हैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन यू कैन फॉलो मी अप ऑन विपिन शर्मा बायोलॉजी विच इज माई ऑफिशियल इंस्टाग्राम आई चलिए तो आइस्ट्रस साइकिल ज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ तो हमारे अंदर यानी प्राइमेट्स के अंदर जो फीमेल के अंदर यू you नो know, आपके सेक्शुअल साइकिल्स चलती हैं उन्हें क्या बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है नॉन प्राइमेट्स में इसे क्या बोला जाता है नॉन प्राइमेट्स में इसे ऑस्ट्रस साइकिल बोला जाता है ये आपका किसप्टर का क्वेश्चन है या आपका ह्यूमन रिपोर्डक्शन का क्वेश्चन है ट्वेल्थ क्लास का आई डोंट नो यहां पर क्यों है बट स्टिल अगर है तो अच्छी बात है तो ह्यूमन फीमेल्स ओनली ह्यूमन आर प्राइमेट्स यहाँ पर मैंस्ट्रल साइकिल होती है ऑस्ट्रस साइकिल नहीं मेमिलियन फीमेल्स

तो नेक देखो यार काफी में एब्सेंट होती है अगर आप यू you नो know, पता लगाने की कोशिश करोगे तो नेक जो है आपको समझ लो आप फ्रॉक की बात कर रहे हो तो यहां पर ये यह आपका हेड प्रेजेंट होता है या आपकी बल्स आई है इसके बाद सीधा आपका ट्रंक ही स्टार्ट होता है राइट सो तो ये जो है आपका यह, इसका एक्सेप्शन है द बॉडी कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन इट डू हैव एक्सेप्शन द पोजिशन ऑफ टू पेयर ऑफ फंक्शनल इट डू हैव एन एक्सेप्शन अगर आप स्नेक वगैरह की बात करो तो नहीं भी होते द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्कल तो ये जो आते हैं वर्टिब्रेटा ये आपके क्रेनिएट्स होते हैं राइट क्रेनिएट्स तो इन्हें क्रेनिएटा भी कहा जाता है क्रेनिएटा मतलब इनके ऊपर जो होगा ब्रेन बॉक्स होगा यानी जो ब्रेन है ये आपका एक बहुत ही अच्छी बोनी कैविटी के अंदर जो है आपकी प्रेजेंट रहेगी इसका जो है प्रोटेक्टिव लेयर यहां पर आपको देखने को मिलेगा जैसे आप क्रेनियम बोलते हो और क्रेनियम के बेसिस पर ही इसका नाम क्रेनिएटा पड़ा तो क्रेनियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट सो so, इसके नाम में ही क्रेन आता है तो जाहिर सी बात है इट इज गोइंग टू बी द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक तो आपका जो है वेल डेवलप्ड स्कल यहां पर देखने को मिलता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑफ ब्रेन चलिए 123. ओके वन द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ सिलंट्रेटा सिलेंट्रेटा का पेक्यूलियर कैरेक्टर क्या था आपके नेमेटोसिस्ट ओके okay? जो कि आपके एनकरेजमेंट uh, में काम कर रहे थे आपका डिफेंस वगैरह में काम कर रहे थे पॉलीमोर्फिजम फ्लेम सेल्स आपके प्लेटी में होते हैं हारमाप्रोडिटिजम नेमेटोसिस्ट सही है हमें यहीं पर मिल गया करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि इस पूरी की पूरी फाइलम का सबसे ज्यादा पेक्यूलर कैरेक्टर है जो किसी और में देखने को नहीं मिलता है रेडियल सिमेट्री इज यूजली एग्जिबिटेड इन एनिमल्स यानी रेडियल सिमेट्री किन में प्रेजेंट होती है दैट आर अटैच टू सबसेटम बिल्कुल सही बात है हमने सेम एक क्वेश्चन किया था जहां पर आपका जो स्टेटमेंट थी ये आपका आंसर था और यह जो आपका आंसर है यह आपकी स्टेटमेंट थी वहां पर पूछा गया था कि अगर एक ऑर्गेनिज्म से अटैच है और वो आपका ससाइल है तो उसमें किस तरीके की जो है आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी अगर कोई ऑर्गेनिज्म नीचे से आपका मूव नहीं कर पा रहा है अगर वो किसी सबस्टेटम से अटैच है तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट ऑर्गेनिज्म क्योंकि वो मूव तो कर नहीं पा रहा है तो वो चाहेगा कि उसके चारों तरफ जो है आपके फूड कैप्चरिंग या फूड कैप्चरिंग सेल्स प्रेजेंट हो यह तभी हो सकता है जब आपकी रेडियल सिमेट्री हो जब आप इसे किसी भी तरीके से काटोगे तो आपको क्या मिलेगा ओवरऑल हर जगह पर सेम पार्ट देखने को मिलेगा सो रेडियल सिमेट्री यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द्लैटी हेलमिट प्लेटी हेलमिट का एक्साम्पल क्या है प्लाज्मोडियम या आपका प्लाज्मोडियम वाई वैक्स प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम क्या है प्रोटोजोवा में आते हैं राइट राइटेनोसोमा गैम्बियंसी अगेन प्रोटोजोवन सिस्टोसोमा, उट वॉर्म सो क्या हो जाएगा हो हो जाएगा? हो जाएगा, सही बात है चलिए। कंप्लीटली नॉन पैरासिटिक फॉर्म कंप्लीटली वर्ड इज इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्शली पैरासिटिक भी है तो उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते टेप फॉर्म आपका पैरासिटिक है मॉस्किटो आपका खून पे फीड करती है पार्शियल पैरासिटिक तो बोल ही सकते हैं लीच जो है आपका पैरासिटिक है पैरासिटिक नहीं होता तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट चलिए फीट इज फीचर ऑफ ट्यूब फीट आपने कहा देखा था ट्यूब फीट प्रेजेंट होता है इकाइनो डरमेटा के अंदर तो इकाइनो डरमेटा का एग्जाम्पल ढूंढ लो स्टारो डर का एग्जाम्पल है यह आपका आंसर हो जाएगा ओके okay? फिर यह देखो क्रे ये नहीं होगा आंसर आर्थ्रोपोड में आता है जेलीफिश और एलिया ये आपका सिलन में आ जाएगा टल फिश सीपीआई आपका मोलस्क में आ जाएगा तो स्टार फिश इज द ओनली करेक्ट आंसर जो कि यहां पर आपको मिलता है वन ट्वेंटी एट टू एग्जाम्पल्स इन विच नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड ओके यूरिको टेलीकॉन कौन थे आपको आरबीआई मैंने बताया था ओके रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स तो यहां पर ढूंढ लो आपका बर्ड आ गया साथ में लिजाड रेप्टाइल आ गया तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे फ्रॉग आ गया एम्फीबियन है गलत बात इंसेक्ट आ गया बोनी फिश आ गई गलत बात है ओके okay, मैमल्स आ गए मोलस्क गए मैमल आ गया गलत बात हो जाएगी तो यही आपका करेक्ट है सिंपल ट्रिक लगाकर आप लोग दस सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन बना सकते हो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रिक्स इफ यू कैन एनालाइज एंड यू कैन जस्ट रिट्रैक दम कंप्लीटली तो आपको बहुत जो है फिनोमिनल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं वन इन मैन एंड मैमल्स द एयर पासेज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द लंग थ्रू ओके आउटसाइड टू इनसाइड द लंग आपका क्या पैटर्न होता है ये आपको देखना है आप सबसे पहले कहां देखेंगे आपका सबसे पहले नेजल पैसेज में जो है कोई भी चीज जाएगी उसके बाद आपका फेरिंग्स देन आपके लेरिंग्स तक पहुंचेगी ओके okay? ग्लॉटिस तक पहुंचेगी उसके बाद आपका फिर ट्रेकिया देन वो ब्रॉन्स में ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएंगी फिर वो फर्दर ब्रॉक्योल्स में डिवाइड हो जाएंगी एंड आफ्टर दैट आपकी एलग्योलस बन जाएंगे जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें आपका गैशियस एक्सचेंज होता है तो नेजल कैविटी करेक्ट बात है ओके okay? फेरिंग से पहले लेरिंग लिख दिया गलत बात हो जाएगी नेजल कैविटी सही बात है फिर लेरिंग्स पहले लिख दिया नेजल कैविटी फेरिंग्स लेरिंग सही बात है फिर ट्रेकिया सही बात है ब्रोंक्योल्स लिख दिया है ब्रोंकाई से पहले गलत बात हो जाएगी सो बचा क्या चौथा आपका आंसर हो जाएगा लेकिन तब भी देख लेते हैं नेजल कैविटी आपका फेरिंग्स फिर लेरिंग्स फिर ट्रैकिया फिर ब्रोंकाय ब्रोंकाय आगे चल के ब्रोंक्योल्स में डिवाइड होते हैं तो अब सही बात आई और एंड में आपका टर्मिनल एलव्योलाय्रेन लाइक सैक ओके सही बात हो जाएगी ये बढ़िया हो गया टरी सिस्टम यानी पूछा गया है कि इनमें से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है ओके, तो फ्रॉग स्टेट इज एन एम सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आपका आंसर हो जाएगा प्रॉन जो है आपका आर्थोपोड है आर्थ्रोपोड में ओपन होता है हमने देखा था आर्थ्रोपोड पिछड़ा हुआ था इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देन एनोलिडा क्योंकि एनोलिडा में आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था और आर्थ्रोपोडा में ओपन सो प्रॉन ओपन हो जाएगा चैलीफर इज ऑल्सो एन आर्थ्रोपोड इसमें ओपन हो जाएगा कॉक्रोच इज ऑल्सो एन इनसेट दट इज एन आर्थ्रोपोड इसमें भी ओपन हो जाएगा तो पहला जो आंसर मिला था हमें यह एब्सोटली करेट था एब्सोल्यूटली डिफाइंड था कॉमन बिटवीन ऑस्ट्रिच पैंगविन की ऑस्ट्रिच पैंग्विन एंड कीवी तीनों के तीनों उड़ नहीं सकते क्या हो जाएगा आपका फ्लाइटलेस बर्ड हो जाएगा ना रनिंग बर्ड गलत बात हो जाएगी माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाइटलेस बर्ड ये बात आपके ठीक है ये आपके थोड़े एक्सेप्शनल बर्ड्स होते हैं ओके okay? जो अपनी अपनी प्रायोरिटी और प्रॉपर्टीज के हिसाब से उड़ नहीं पाते

टू सेगमेंट के ऊपर अगर ये आपके सेगमेंट है आपके अर्थवर्म के तो इनके फोर्टीन टू सेगमेंट के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा आपका प्रेजेंट रहेगा क्लेटलम ओके लेकिन उसका मेरे दोस्त लोकोमोशन से कोई खास लेना देना नहीं है यहां पर आपकी लॉन्गिट्यूडनल एंड राउंड मसल होती है उनका जो है लेना देना है लोकोमोशन से तो ये बात भी गलत हो जाएगी पॉस्टेरियर सकर ऑफ हिरुडीन एरिया तो प्रोस्टीरियर सकर क्या काम करता है यहां पर समझ लो ये आपका लीच है

जिसका इंटरमीडिएट होस्ट आपका पिग होता है सेजिनेटा का इंटरमीडिएट होस्ट जो है आपका कैटल होता है राइट वो आपका पोर्क टेपॉर्म होता है या आपका बीफ टेप होता है राइट सो लाइफ हिस्ट्री हैज पिक एज एन इंटरमीडिएट होस्ट देखो यार सेजिनेटा है कैटल होगी कैटल बफेलोज होंगे पिग नहीं होंगे देर आर टू लार्ज स्कॉलेक्स तो यहां पे सकर्स जो होते हैं वो चार होते हैं और ये स्कॉलेक्स का क्वेश्चन बन गया जो मैंने जस्ट पिछली स्लाइड में बताया था राइट रोस्टेलर हुक्स आर एबसेंट तो रोस्टेलर हुक्स यहां पर एबसेंट होते हैं ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी हैज डबल सर्कुलर हुक्स ओके जब रोस्टेलर हुक्स ही नहीं होते तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत आउटडेटेड टॉपिक है बट स्टिल हम लोग करेंगे इस चीज को जिससे कितना भी बाहर से क्वेश्चन आया हमारे तीन सौ साठ बनने चाहिए देखो सिंबल सा लॉजिक ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नर्व सेल बट नो नर्व सेल है और नर्व नहीं है ओके okay, किसमें मिलेगा हाइड्रा तो यह आपकी सही बात हो जाएगी टेपॉम ओके okay, इसमें ऑर्गन लेवल आ जाता है ये बात गलत हो गई चलिए बडिंग इज नॉर्मल मोड ऑफ अक्शुअल रिप्रोडक्शन इन बडिंग किस में देखने को मिलता है स्टार फिश में बडिंग नहीं होती कट जाएगा हाइड्रा बडिंग इन हाइड्रा एंड ईस्ट आपके स्पेस में भी देखने को मिलती है सही बात हो जाएगा टेप में आपकी बडिंग नहीं होती ओके okay? स्पंज uh, और स्टारफिश में फिर आपकी बडिंग नहीं होती तो ऑटोमेटिकली आपका बी एलिमिनेशन से करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए। 136. थर्टी सिक्स ट्रैकिया ऑफ कॉकरोच एंड मैमल्स आर सिमिलर इन हैविंग यानी कॉकरोच का ट्रैकिया जो कि स्पाइरेकल से अटैच होता है और आपका मैमल्स का ट्रैकिया जो कि आपके नेजल कैविटी के बाद आता है इनमें क्या चीज कॉमन है ओके पैरिड नेचर नहीं नॉन कोलेप्सिबल वॉल अगर आप किसी भी चीज के थ्रू कोई पैसेज करवा रहे हैं उस पाइप का अनकोलैप्सिबल होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, इसीलिए जो आपका मेमल ट्रैकिया होता है इसमें आपकी यू नो सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि उस ट्रैकिया को कोलेप्स नहीं होने देती अदरवाइज जो है आपका ये ट्यूब जो है अगर ब्रेक हो गई तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे सो नॉन कोलैप्सिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी प्रेजेंट ओवर हेयर राइट चलिए लार्वल स्टेज अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल में ग्रुप इनमें से किस, -किस में लार्वा होता है बटरफ्लाई फ्रॉग एंड मॉस्किटो ओके सो बटरफ्लाई में आपका देखने में लार्वा देखने को मिलता है आपको फ्रॉग में आपको टेडपोल लार्वा देखने को मिलता है मॉस्किटो में भी आपको लार्वा देखने को मिलता है ब्रेगुलर लार्वा, लार्वा, लार्वा देखने को मिलता है आपको तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें तीनों के तीनों आपके लार्वल स्टेजेस शो करते हैं ये क्वेश्चन भी आपका नहीं आएगा क्योंकि ये भी आपका बहुत आउटडेटेड है राइट right? सो so, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपको बता दूंगा इसीलिए मैंने आपसे कहा था लास्ट पंद्रह ईयर के करते हैं बिकॉज पुरानी एनसीआरटी बहुत कॉम्प्लेक्स थी और ये क्वेश्चन बहुत ही पुराना है ओके okay? अगर आप अंदाजा लगाएं तो अराउंड सताइस साल पुराना क्वेश्चन है ये सो इट इज रियली नॉट गस्ट बट लेकिन हम लारवा के बारे में भी एक लेक्चर बना लेंगे उसमें हम सारे लारवास के नाम एक शॉर्ट में देख लेंगे सो गोला चिमपेन्जी मंकी एंड ह्यूमन बिलोंग टू द सेम यानी गोरिला चिम्पेजी मंकी और ह्यूमन किस में मिलते हैं आपको इनका ऑर्डर सेम है ये प्राइमेटा के मेंबर है सारे के सारे सारे प्राइमेट्स हैं राइट तो क्या हो गया ये आपके ऑर्डर प्राइमेटा ओके प्राइमेटा के मेंबर है विच इज एन ऑर्डर फैमिली इनकी अलग अलग हो जाएगी क्योंकि फैमिली ह्यूमन की क्या हो गई होमिनीडी तो होमिनीडी में फिर इनमें से कोई प्रेजेंट नहीं होता राइट right? सो so, क्या हो गया आपकी फैमिली इनकी अलग अलग हो जाएगी लेकिन ऑर्डर इनका सेम है सारे प्राइमेट है ऑटोमेटिकली तो सबके अलग होने नहीं है जो लोग फैमिली पे ही बिछड़ गए उनकी जीनस जीनसिस तो सेम नहीं हो सकती ये तो हमें पता है तो ऑर्डर लेवल पे इनमें सबसे ज्यादा अप्रॉक्सिमिटी देखने को मिलती है वट इज कॉमन इन वेल बैट एंड रेट सो वेल बैट एंड रेट तो इनमें देखो कॉमन क्या है सारे के सारे मैमल है राइट right? ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है क्योंकि वेल बैट और रैट सारे के सारे आपके मैमल हैं तो अब आपको यह पता लगाना है कि नीचे दिए हुए कैरेक्टर में से मैमल के कैरेक्टर कौन से हैं ओके ओके व्हाट इज कॉमन कॉमन एब्सेंस ऑफ नेक ये common नहीं है मस्कुलर डायफ्राम जो कि सबसे ज्यादा पेक्यूलर कैरेक्टर है आफ्टर मेमरी ग्लैंड आपका बहुत जरूरी है मैमल्स के लिए लेकिन आगे हम देख लेते हैं अगर मेमरी ग्लैंड दिया हुआ है कि नहीं एक्स्ट्रा टू अवॉइड हाई एबडोम ऑफ बॉडी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स ओके तो इसमें से सबसे ज्यादा जो पेक्यूलर कैरेक्टर है वो आपका ये है दैट इज प्रेजेंस ऑफ योर डायफ्राम तो ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आउट ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स क्योंकि बची हुई चीजों के थोड़े बहुत एक्सेप्शन आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं और एक्सेप्शन कहां कहां है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन द टू डी So you सो यू कैन गो एंड यू कैन हैव ए लुक वहां पर सारे क्वेश्चन जो है हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं स्कॉलक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं हुए और जो कुछ नए क्वेश्चन है वो लार्वा से रिलेटेड नहीं हुए जो कि इस वीडियो में आपके आएंगे सो so, पहले लारवा और स्कॉलेक्स जो था या डेवलपमेंट पैटर्न जो थे या जो आपके एग्जाम्पल्स थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते थे लेकिन पंगा यह है कि उस टाइम के एन में एग्जाम्पल्स भी अलग थे और आज के दिन में एग्जाम्पल्स बहुत अलग है सो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व और वी आर नॉट बींग एबल टू सॉल्व दो क्वेश्चन बाय रीडिंग टू डेज एनसीआर हम कर ही नहीं सकते और उसमें आपकी गलती नहीं है उसके लिए आपको एडिशनल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है तो इसके लिए हम लोग एक नई सीरीज लेकर आएंगे एक जुगाड़ है जो कि अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है अगर मैं अभी वो चीज़ बता दूंगा कि मैं क्या करने वाला हूं तो कोई और मुझसे पहले जो है चिपका डालेगा और ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी उसकी तो मैं जो है आप लोगों के लिए प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट वीक वो जो सीरीज है लेकर आने वाला हूं तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दैट राइट चले बुल जाता है इंडिया का राना टिगरीना कोई पूछने की बात ही नहीं ये आपके एक यू you नो know, पूरी हेडिंग है पूरा का पूरा आपका इसके ऊपर आर्टिकल है आपका सेवन चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एरिस्टोटल लालटेन एरिस्टोटल एंटन कहां प्रेजेंट होती है आपके इकाइनो डरमेटा में प्रेजेंट रहती है इट्स अ फीडिंग ऑर्गन सो इकाइनो डरमेटा में भी यह क्लास पूछ लिया है क्लास आपकी इकाइनोइिया में ही प्रेजेंट रहती है राइट right? तो ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी क्वेश्चन भी आपका इजी था तो एरिस्टोटल लैंटर्न पे काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे पास्ट में आप लोग एक दो क्वेश्चन और देखोगे आगे तो यह क्वेश्चन भी आपका काफी बार रिपीट होता था तो काफी अच्छे क्वेश्चन में से एक है ये पूछा जा सकता है आगे स्टारफिश बिलोंग्स टू स्टारफिश को आप लोग क्या कहते हैं एस्टेरियास और एस्टेरियास तो एस्टेरॉयडी में प्रेजेंट रहेगा सीधी सी बात है नाम में से यू नो कॉमन सेंस निकालो और खत्म कर दो क्वेश्चन को तो आई ऑफ मोलस्कन ग्रुप जो कि आपकी वर्टिप्रेट आई के साथ मैच खाती है उसमें आपका answer हो जाएगा. तो सिफेलोपोडा इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर अडल्ट क्यूलक्स एंड एनोफिलस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद्प ऑफ यानी अगर आपको कोई बोले कि क्यूलक्स मच्छर है और एनोफिलस मच्छर है तो

बॉडी एक्सेस लेकिन जो आपका एनोफिलिस आपको देखने को मिलेगा ओके okay? एनोफिलिस जो आपको देखने को मिला वो कुछ इस तरीके से बैठती है सो so, इसका जो बॉडी एक्सेस है वो कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा आपके जमीन के साथ लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो एंगल जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा वन डिग्री हो जाएगा ये एग्जैक्टली पैरल होंगे तो so, यहां पर यह किसका हो गया ये आपका क्यूलेक्स का हो गया ओके okay? और ये किसका हो गया ये आपका एनोफिलिस का हो गया तो इनकी सिटिंग पैटर्न के बेसिस पर भी आप मॉस्किटो की बता सकते हो कि वैरायटी कौन सी है राइट चलिए साउंड बॉक्स इन बर्ड्स इज कॉल्ड है ये आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन है इसे सिरिंग्स कहा जाता है बिना ऑप्शन देखे भी हम लोग बता सकते हैं बिकॉज वहां पर बात की गई थी कि आपकी यू you नो know, uh, कोयल जो है गाना क्यों गाती है तो उसमें था कि मेल को अट्रैक्ट करने के लिए और किस तरीके से गाती है व्हाट इज द मैकेनिज्म तो उसमें जो है आपका वाइब्रेटिंग बोन और सिरिंग्स के बारे में बताया हुआ था तो ये आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीआरटी का क्वेश्चन है लेकिन बहुत पहले पूछा गया था

फूड पॉइजनिंग से ये हो गया वो हो गया लेकिन बीमारी फैलाने वाले कॉकरोच उनके घर में ही थे तो प्रिंसिपल साहब आकर बताते हैं हर बार तो वो सही कहते हैं तो रीजन जो है इट इज बिकॉज इट एक्साइज स्केवेंजर सो इट इज नॉट अ स्केवेंजर स्कैंजर क्या होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करता है सो तो ये क्या हो गया डेड मैटर पे ग्रो नहीं करता है ओमनी बोरस है राइट सो तो यहां पर क्या हुआ असर्शन इज योर ट्रू बट रीजन इज योर फॉल्स तो ये बात जो है असर्शन रीजन में कोई लिंक नहीं बैठा पहली बात तो और असर्शन सही है रीजन गलत है तो आपका ए ऑप्शन जो है यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा

सो so, टीनिया आपका यहां पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके भी याद कर लो सिस्टी सर्कस हो जाएगा हेग्जा हो जाएगा एंड ऑन को स्फेर हो जाएगा ये आगे क्वेश्चन में काम आएगा मैंने आपको बताया आज लार्वा पे बहुत ही क्वेश्चन है तो आप आगे देखोगे आपको सिस्टी सर्कस पे एक और क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके से कि ये किसका है तो आपको वहां से पता लगेगा कि ये टीनिया का है तो हम इसे अभी ही सॉल्व करके बैठ चुके हैं राइट चलिए वट इज करेक्ट अबाउट टीनिया टीनिया पे एक और क्वेश्चन मेल ऑर्गन अगर इन पोस्टीरियर प्रोग्लोट्रेट्स जो आपके पोस्टीरियर प्रोग्लोट्रेट्स होते हैं आपके इस बल्ज पोर्शन के बाद आपके 400 से साढ़े चार जो है आपके स्क्वायर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से जो स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं इन्हें आप प्रोग्लोटेड कहते हो ओके okay? सो so ये जो आपके प्रोग्लॉटेड होते हैं इनमें मेल ऑर्गन आपका पोस्टीरियर साइड में होते हैं ये बात आपकी गलत हो जाएगी मेल ऑर्गन आपका इंटीरियर प्रोग्लॉटेड होते हैं ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी फीमेल ऑर्गन अकर्स इन एंटीरियर प्रोग्लोटेड ये बात गलत हो जाएगी मेच्योर प्रोग्लोटेड के अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं ये बात आपकी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगी तो बी भी, भी आपका करेक्ट है क्योंकि ये जो आपके एंटीरियर आपके डेढ़ के आसपास जो रहते हैं ओके वन टू वन या डेढ़ ही अगर आप करेक्ट मान के चले ये आपके मेल प्रोग्स होते हैं और उसके बाद आपके साढ़े चार सौ में से जो दो सौ ढाई सौ बचते हैं वो आपके फीमेल प्रोग्लोटेड्स होते हैं तो एंटीरियर में कौन आया मेल आया तो ये बात करेक्ट है इस बात में गलती नहीं है लेकिन यहां पर ये बाइसेक्शुअल होता है यहां पर मेल और फीमेल दोनों प्रोग्लेटेड होते हैं तो मेच्योर प्रोग्लोटर्स में आपके क्या होंगे बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे ये बात ज्यादा करेक्ट हो जाएगी एंटीरियर आपका मेल हो जाएगा पोस्टीरियर आपका फीमेल हो जाएगा वो बात अलग है सो so, आपको मेन स्टेटमेंट अगर दो भी करेक्ट है तो उनमें से एप्सलूटी करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी रहती है राइट चलिए द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम तो वाटर कैनाल सिस्टम आपका स्पंजेस में पाई जाती है एस्कन टाइप साइकन टाइप और ल्यूकन टाइप हो सकती है तो एस्कन टाइप साइकन और ल्यूकन ये जो है आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर यू नो कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर ही होता है तो एस्कन टाइप आपका सबसे सिंपलेस्ट हो जाएगा ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है आपका फिर जो है आपका साइकन टाइप ये साइकन यानी स्काइफा में ही पाया जाता है ल्यूकन टाइप आपका स्पॉन्जिला में पाया जाता है एस्कन टाइप इज द सिंपलेस्ट वन तो ये आपका आंसर हो जाएगा एन एग लेइंग मैमल ऐसा मैमल जो कि अंडे देता है कौन सा आपका डग बिल्ड प्लेटिप या फिर आपका क्या हो जाएगा और नीथो रिंग का तो हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं ना ओवी पैरस का एक्सेप्शन था तो ये तो क्वेश्चन बहुत कॉमन है अभी भी आपका पूछा जाता है क्योंकि एनसीआरटी से हटाया नहीं गया है किडनी इन अडल्ट रैबिट तो किडनी जो है अलग अलग टाइप की हो सकती है आपकी प्रोनेफ्रिक हो सकती है मीजोनेफ्रिक हो सकती है मेटानेफ्रिक हो सकती है सो so, इस बारे में आप लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब देखेंगे तो आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन का पता लगेगा तो यहां पर क्या होता है यहां पर किडनी बनाने वाले जो मीडो मीजोडर्मल सेल्स रहते हैं या आपके पोस्टीरियर पार्ट के जो मीजोडर्मल सेल्स रहते हैं वो आपकी किडनी बनाते हैं तो इस हिसाब से इन्हें क्या कहा जाता है मेटानेफ्रिक कहा जाता है जो कि अडल्ट रैबिट में आपकी

चेंज हो रहा है एनवायरमेंट में तो उसके खिलाफ जो है कुछ करना या फिर ओके चार्ज विद एनवायरमेंट यानी उसके साथ साथ चेंज हो जाना ओके टेंडेंसी टू रजिस्ट चेंज चेंज होने से बचना यानी कॉन्स्टेंट रहना तो यह बात आपकी होमियोस्टेसिस में आ गई डिस्टर्बेंस इन रेगुलेटरी कंट्रोल रेगुलेटरी कंट्रोल में डिस्टर्बेंस हो जाएगी तो नहीं चलेगा वो रेगुलेट कर ही नहीं पाएगा प्लांट्स एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट यूज इन होम्योपैथी ये तो कोई लेना देना है ही नहीं इस बात का तो तो ये जो है आपका होम्योपैथी से लिंक करने की कोशिश कर दी होम्योस्टेसिस को विच आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स तो ये जो है आपकी रजिस्ट चेंज ये वाला ऑप्शन आपका एग्जैक्टली exactly करेक्ट हो जाएगा विच वन अकर्स इन इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडरमेटा में इनमें से क्या होता है ओके बायलेट्रल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री पोरस बॉडी सॉफ्ट स्किन क्योंकि यहां पर कुछ दिया नहीं हुआ है तो आप अडल्ट को कंसिडर करेंगे वैसे आपको पता है आपके अडल्ट इकाइनोडॉल्स में रेडियल सिमेट्री होती है और आपके लार्वल में बायलेट्रल सिमेट्री होती है तो दोनों की दोनों बातें आपकी करेक्ट हो जाएंगी अगर अडल्ट बोला होता तो रेडियल हो जाता अदरवाइज आपका बायलेट्रल हो जाता राइट क्योंकि कुछ डिफाइंड नहीं है तो आप दोनों करके आ सकते थे एन इंसेक्ट रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट मैकेनिकल कैरियर ऑफ डिजीज जो कि आपके घर में सबसे कॉमनली पाई जाती है मक्खी तो मस्कर डोमेस्टिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट मैकेनिकल कैरियर बोली जाती है काफी सारे डिजीज की आपके फूड को कंटेमिनेट करती है ओके okay? और काफी सारे फ्रूट वगैरह को भी मैटामोरफोसिस ऑफ इंसेक्ट इज रेगुलेटेड थ्रू हॉर्मोन मेटामोरफोसिस को आप लोग क्या बोलते हैं इसे आप बोलते हैं मोल्टिंग या फिर आप इसे बोलते हैं एक्डाइसिस ओके okay? और एक्डाइसिस कौन करवाता है आपका एक्डाइसिंग हॉर्मोन जिसे आप एक्डाइसॉन बोलते हैं तो मोल्टिंग का मतलब ही आपका एक्डाइसिस हो गया तो उसमें एक्डाइसोन हार्मोन का रोल होगा या आप जो है अगर टर्म्स को जान जाओ बायोलॉजी में तो कुछ क्वेश्चन आप लोग डायरेक्टली भी रेलेवेंस से निकाल सकते हो ओके okay? फेरोमोन आपके क्या होते हैं यू नो ये अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए जो है आपके सेक्स अट्रैक्टर्स वो होते हैं थायरोक्सिन आपको अच्छे से पता है थायरॉयड ग्लैंड बनाता है तो उसका जो है यहां पर एक्डाइसोन का मेजर रोल होता है सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा इज बेस्ड ऑन पॉरीफेरा में जो है आपके फाइबर्स के बेसिस पे या फिर आपके यू you यूनो know, किस चीज का स्केलेटल है उस बेसिस पर डिवाइड किया जाता है जैसे यहां पर कैलकेरियस स्केलेटल हो सकता है जो कि आपका कोरल्स में देखने को मिलता है राइट right? उसके बाद आपका स्पंजिन फाइबर का देखने को मिलता है काफी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कैल्शियम और स्पंजिन फाइबर दोनों का देखने को मिलता है तो यहां पर क्या होता है आपका स्पिक्यूल्स जो है करेक्ट हो जाएगा स्पिक्यूल्स आपके किसके हो सकते हैं स्पिक्यूल्स मतलब पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स लाइक दिस जो आपके स्पंजिन फाइबर के स्पिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आपके स्पिक्यूल यानी कैल्शियम के स्पिक्यूल्स भी हो सकते हैं ओके चलिए ओके द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैट का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा था फ्लेम सेल ओके फ्लेम सेल करेक्ट करो आगे बढ़ो चलो ब्लेडर बॉम और सिस्टी सर्कस इज द लार्वल स्टेज ऑफ सिस्टी सर्कस थोड़ी देर पहले आपने सुना था उसका दूसरा नाम आपका ब्लेडर बॉर्म हो जाएगा सिस्टी आपने कहा सुना था टीनिया के केस में टेप के केस में अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूं पीछे हमने बात की थी जब हमने आपको किसका बताया था? मैंने टीनिया का बताया था सेम क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हो गया है पास पर टेप फॉर्म इज गोइंग टू बी द राइट आंसर एक्डाइसिस इज द शेडिंग शेडिंग ऑफ यानी एक्डाइसिस मैंने अभी क्या बताया था आपको मोल्टिंग वगैरह तो इसमें क्या होता है बॉडी की जो सबसे बाहर वाली लेयर uh, होती है वो आपकी झड़ जाती है जैसे आप क्या बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम तो ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस की जो कि कि झड़ जाती है जो शेड हो जाती है और उसके बाद फ्रेश लेयर आपकी डेवलप हो जाती है तो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है आपकी एक्डाइसिस के दौरान जो है एक्डाइसिस के दौरान एक्डाइसोन हॉर्मोन के यू नो एक्शन के थ्रू जो है आपकी शेड हो जाती है पेंगुइन अकर्स इन पेंगुइन कहां रहते हैं पेंगुइन आपके कहां मिलते हैं आपको बर्फीले इलाके में देखने को मिलते हैं आपका अंटार्कटिका इज द करेक्ट आंसर यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए काला आजार एंड ओरिएंटल सोर आपके स्प्रेड किससे होते हैं काला यानी कि आपका तो ये आपका क्या हो जाएगा लेशमैनिया तो वेक्टर गया है, तो काला अजार का वेक्टर कौन होता है सैंडफ्लाई तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदाउट चलिए आर ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल आपने कहां पढ़े थे कॉकरोच के अंदर पढ़े थे एक्सक्रीटरी है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है कॉकरोच के अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट कॉकरोच इज एन इंसेक्ट पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया सही है एनलिड में ये नहीं होता एनलिड में ये नहीं होता रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपके स्पिरेकल्स होते हैं इंसेक्ट में ना कि मालपीजन ट्यूब्यूल पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है टीनिया सेजिनेटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलियम तो टीनिया सेजिनेटा और सोलियम बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं लेकिन हुक्स जो है आपके सेजिनेटा में नहीं पाए जाते तो सेजिनेटा में आपके एब्सेंस ऑफ आप हुक्स देखने को मिलेंगे बाकी आपका क्या होगा बचे हुए सारे कैरेक्टर्स इन दोनों में सेम होते हैं बस इनके इंटरमीडिएट होस्ट भी अलग होते हैं यहां पर आपका पिग वगैरह आपको देखने को मिल जाता है यहां पर आपको कैटल देखने को मिल जाती है बफेलोस देखने को मिल जाते हैं विच यू कैन टेकन टू कंसिडरेशन तो एब्सेंस ऑफ स्कॉलेक्स हुक्स यानी स्कॉलेक्स पे देखो यार बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं आज के दिन में मैं पांच क्वेश्चन करा चुका हूं

यू uh, नो you know, किसी की बॉडी के अंदर जो है फ्लो कर सके बेहतर तरीके से और अपने आप को फैला सके सामने वाले की बॉडी में बिकॉज यू नो पैरासिटिक है राइट तो इज द करेक्ट आंसर आर में में क्या होता है में आपके प्लेसेंटल प्लेसेंटल्स कहे जाते हैं ओके okay, तो इनमें क्या होगा आपका हेयर स्किन बात तो ठीक है ट्रू प्लेसेंटेशन ट्रू प्लेसेंटेशन जो है ये यूथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ओके okay, तो यहां पर जो आपका प्लेसेंटा फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ओके okay? विश बोन इन बर्ड्स इज फ्रॉम विश बोन ऑफ बर्ड्स इज फ्रॉम ओके विश बोन जो है आपकी बर्ड में किससे बनती है तो विश बर्ड विश बोन जो है आपका किसे बोला जाता है या आपका स्टर्नम को बोला जाता है जहां पर आपके क्या होते हैं विंग मसल्स अटैच होते हैं और वहां से आपकी विंग्स जो है कनेक्ट होकर उड़ पाते हैं तो एक वाई शेप की बोन होती है ओके okay, जैसे विश मसल क्यों कहा जाता है क्योंकि जब लोगों में झगड़ा हो जाता था तो उनके अंदर जो है समझ लो कि ऐसे कह रहे हैं कि पहली बारी किसकी आएगी पहली बैटिंग कौन लेगा तो सोनू मोनू में झगड़ा हो गया तो वाई शेप बोन है उसने बोला तू यहां से हैंडल पकड़ के खींच मैं यहां से हैंडल पकड़ के खींचता हूं जिसके हिस्से में ज्यादा बोन आई वो जीत गया तो ऐसे जैसे हम लोग थूक लगा के पत्थर उछालते थे या फिर विमल करते थे हिंदी इंग्लिश वैसे ये क्या करते थे अपने विश बोन को पकड़ लेते थे दोनों साइड से और खींच लेते थे अब सीधी सी बात है एक के हाथ में डंडी डंडी आएगी और दूसरे के हाथ में मेन एक्सिस प्लस साइड वाला जो आपका आर्क है वो आएगा तो जिसके हाथ में ज्यादा रहेगा उसे सही माना जाएगा तो ये आपका स आपका स्टर्नम की बात हो रही है पेक्टोरल गिडल या क्लेविकल से जो है आपका आ जाएगा इससे फॉर्म होगा तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा तो विश बोन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट टू रीड इसके बारे में हम जो है कभी और भी बात कर सकते हैं बहुत अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए बट पूछा नहीं जाएगा अब नहीं पूछा जाएगा फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड आर अटैच टू अभी अभी हमने बात की फ्लाइट मसल किससे अटैच है आपके विश बोन से अटैच है वो क्या थी आपकी ओके okay, स्टर्नम तो कील ऑफ स्टर्नम से जो है आपका अटैचमेंट हो जाएगा बिल्कुल सही बात हो जाएगी चलिए रेक्टर इज कॉर्डेटा का कैरेक्टर कौन सा है स्पिरेकल्स इंसेक्ट में होते हैं पोस्ट एनलोकेलेटन आपको कहां मिलता है, में देखने को मिलता है. Right चार आपके कैरेक्टर थे slits, okay? tail, आपका नोटोकॉर्ड और डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड तो दो दिए हुए हैं इनमें से आपको जो करेक्ट वाला था वो सही बताना था क्योंकि दूसरे में गिल्स बोल दिया डायरेक्ट राइट चलिए अर्थवॉर्म आर यूजफुल हार्मफुल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल मोर हार्मफुल तो देखो यार यूजफुल कैरेक्टर्स इनके ज्यादा होते हैं इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहा जाता है पुराने जमाने में जब उतनी ज्यादा आपकी मेडिसिन डेवलप नहीं हुई थी उस टाइम पर भी इसे काफी सारे डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता था इन इंडियन एंशियंट मेडिसिन सो अर्थवॉर्म जो है आपका काफी सारा इंपॉर्टेंट काम करता है न्यूट्रंट रिसाइकलिंग में डिकम्पोजिशन में सोट फ्रेंड ऑफ फार्मर सो इट्स क्वाइट हार्मफुल प्लस ये किसी डिजीज को जो है आपका ट्रांसमिट नहीं करता या फिर खुद कॉज नहीं करता ना ये पैरासिटिक है तो बोला भाला इंसान है अपने आराम से रिंगता रिंगता मिट्टी को नरिश करता रहता है सो इट्स वेरी गुड फॉर द यू नोप रेप्लिनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन दैट आर प्रेजेंट इन सॉइल सो न्यूट्रिय को दोबारा से रेप्लिनिश करने का काम बहुत अच्छे तरीके से करता है सो दैट्स वाई इट्स मोर यूजफुल राइट ट्रांसफर ऑफ टीनिया टू सेकेंडरी होस्ट अकर्स अभी अभी हमने बात की थी कि ऑनकोसफेयर ऑनकोसफेयर क्या होते हैं आपके ब्लड में चले जाते हैं ओके okay, और उसके बाद जो है सेकेंडरी होस्ट तक पहुंच सकते हैं तो जो थे या आपके आपके के अंदर ट्रांसमिट करने का भी काम कर देते हैं किसी भी you know, अपने मतलब की प्रोजनीज को. So और फिर आगे चल के जो है, लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं तो पहले ये जिस मोड में ट्रांसफर होते हैं करेक्ट आंसर राइट सबसे पहले इनमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है तो ऑनको ब्लास्ट बना लेते हैं यूज टू कवर दमसेल्फ असिस्ट तो ये ऑनकोस्फेयर बन जाते हैं आफ्टर दट गो इन टू द ब्लड सो दैट दे कैन बी ट्रांसफर टू अ करेक्ट प्लेस एंड आफ्टर दैट दे गेट कन्वर्टेड इन टू दिस्टी सर्कस लार्वा एंड द लाइफ साइकिल प्रोसीड जेलीफिश यानी ओरिले की बात हो रही है सिलेंट्रेटा की बात हो रही है क्लास पूछ ली है लेकिन सिलेंट्रेटा की तो यहाँ पर आपका जो है स्काइफो जो जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इसके लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हाइड्रा आपका किसमें है राइट right? आपका जो है मेन uh, मेडिसन किसमें है आपका स्काइफोजोवा में क्या क्या है सो so, स्का में जो है आपका जेलीफिश पाया जाता है और सो इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फिश विच कैन बी यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो मॉस्किटो को खाने वाली फिश को क्या बोलते हैं गंबूसिया बोलते हैं ये आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है वहां पर बोला जाता है कि पॉन्ड में आपकी गंबूसिया फिश को You know, जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है क्यों क्योंकि आपके जो मॉस्किटो होते हैं है, तो तो so है, प्रेजेंट होते हैं क्योंकि मैमल में तो सब हेयर होंगे ही एक्सेप्शन क्या है तो रोडेंटिया रोडेंट्स में होते हैं भाई प्राइमेट्स के अंदर होते हैं हमारे अंदर है चिरोपटेरा यानी आपके बैट वगैरह इनमें भी होते हैं ओके किटेशिया किटेशिया में नहीं होते जैसे कि आपका ल वगैरह हो गया या डॉल्फिन वगैरह हो गया उनकी स्किन जो है अपनी शाइनी और रहती है, तो है तो सिलस तो मतलब आपकी बिल्कुल फ्लैट वर्टिब्रा होंगी इस तरीके से हेट्रोसिलस का मतलब एक एंड आपका फ्लैट हो जाता है और दूसरे पे आपका सेडल लाइक जो है ग्रोथ आपको देखने को मिलती है एम्फिस मतलब दोनों पे आपका जो है कंकेव जो है इस तरीके का आपको देखने को मिलता है अपर्चर टाइप और प्रोसिलस में क्या होता है एक साइड आपका कनकेव रहता है दूसरी साइड आपका कन्वेक्स रहता है तो यह वाला जो एडजस्टमेंट है यह वाला जो है आपका हेट्रोसिलस रहता है जो कि बर्ड के वर्टिब्रा में मिलता है तो इट इज हेट्रोसिलस मैमल्स के अंदर यह मिलता है दैट दैट इज इज इन नेचर राइट तो आप इसे एडिशनली नोट कर सकते हो यह यूजली दोस्तों अभी फिलहाल आपसे आज के करिकुलम के हिसाब से नहीं पूछे जाएंगे बट स्टिल मैं आपको करवा दूंगा नो इशूज इन दैट फीट ऑफ किंगफिशर आर मोडिफाइड फॉर किंगफिशर का काम क्या है किंगफिशर भाई पानी में बहुत ज्यादा टाइम रहता है तो वो क्या करता है पानी में स्किट करना जो है उसको बहुत पसंद है पर्चिंग का मतलब रहता है आपका डाली को पकड़ के बैठना दैट इज कॉल्ड एज पर्चिंग ओके कैचिंग का मतलब रहता है किसी चीज को पकड़ना ओके okay? और रनिंग का मतलब रहता है भागना और वेडिंग का मतलब रहता है पानी के ऊपर चलना सो so, पानी के ऊपर चलना या स्किट करने का जो है वो बेसिकली आपका वेडिंग कहलाता है जिसके लिए किंगफिशर अपने फीट को मॉडिफाई कर लेता है तो इट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर 176 बोथ मेल एंड फीमेल पीजन सिक्रेट मिल्क थ्रू देखो मेल एंड फीमेल जो है दोनों में क्या है आपके मैमल्स तो है नहीं तो मैमल्स नहीं है तो मेमोरी ग्लैंड नहीं होंगे तो ऑब्वियसली मेमोरी ग्लैंड नहीं है तो कोई और चीज जो है इनमें किसका काम करे होगी मिल्क सिक्रेशन का काम करे होगी तो यहां पे इनके एडिशनल जो है डाइजेस्टिव कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें आप क्रॉप एंड गिजार्ट बोलते हो तो उसमें से क्रॉप जो रहता है ये आपका पीजन मिल्क बनाता है विच इज वेरी वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ पीजन ओनली यहां पर मिल्क रहता है काफी न्यूट्रिटिव रहता है जो कि क्रॉप से बनता है क्योंकि यहां पर मेमोरी ग्लैंड आपके नहीं देखने को मिलते सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप नोट कर सकते हैं ओके okay, टिफ्लॉप्स ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा टिफ्लॉप्स किसे कहा जाता है आपका अंधे स्नेक को यानी ब्लाइंड स्नेक को कहा जाता है जो कि नॉन पॉइजनस होता है नेचर में इसे आपका टिफ्लॉप्स बोला जाता है डायरेक्ट नाम अब आने बंद हो गए हैं अगर पूछा भी जाएगा तो आज के दिन में एनसीआरटी का पूछा जाएगा इसे नहीं पूछा जाएगा ओके ओके ग्लास स्नेक जो है ये आपका लिजार्ड रहता है अगेन okay. नाम, okay. okay. नाम वाले क्वेश्चन अब नहीं आते है. लेकिन हाँ आपके काफी सारे मॉड्यूल्स में गिवन है बट अभी नहीं पूछे जाएंगे सो so, नेक्टुरस आप ना भी पढ़ें चल जाएगा कोई बात नहीं है. आप अपनी नॉलेज के लिए लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं फायर बैली टोड अगेन नाम वाला क्वेश्चन पता नहीं क्या हो गया भाई फायर वैली टोर तो मैंने अपने टाइम पे कैसे याद किया था पास्ट क्वेश्चन पेपर से फायर को मैंने याद किया था बॉम्ब से तो बॉम्बीना जो था इसको मैंने फायर से याद किया था तो बॉम्बीना इज योर फायर वैली टोर ओके सो बॉम्बीना इज द करेक्ट आंसर ओके विच इज नॉट अ ट्रू एम्फीबियन एनिमल इसमें से कौन सा एम्फीबियन नहीं है सेलेमेंडर आपका हो जाएगा टोड आपका हो जाएगा फ्रॉग आपका हो जाएगा टॉर्टॉइज आपका नहीं होगा ये आपका रेप्टाइल्स में आता है ना कि आपका एम्फीबियन में तो ये आपका गलत हो जाएगा तो सी इज गोइंग बी योर आंसर राइट अ वुड बोरिंग मोलस्क और शिप वॉम शिप वॉर्म मैंने आपको डीपीपी नंबर टू में करा दिया था इसे हम क्या बोल रहे थे इसे हम बोल रहे थे टेरिडो हमने वहां पर एक सिमेट्रिक का क्वेश्चन देखा था जहां पर हमने शिप वॉर्म के बारे में पढ़ा था तो इट वाज नथिंग बट इट वाज टेरिडो एंड इट्स अ मोलस्क ओके okay? करंटली जो आपके मॉलस का एक्साम्पल है उसमें टेरिडो आपका नहीं गिवन है तो ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा बट स्टिल आप अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हो तो अभी आपने देखे आज के लेक्चर में कितने रिलेवेंट क्वेश्चन आए इसीलिए पंद्रह साल से पहले के करना इज गुड डील वेन यू हैव द नॉलेज अदरवाइज यू विल बी गेटिंग डीमोटिवेटेड राइट सो इट्स इट्स वन ऑफ बी गुड जब आपके पास बहुत अच्छा खासा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो सिल्क थ्रेज इज ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क मोथ ड्यूरिंग तो इसके पीपा वाली जो स्टेज है उसमें बॉइलिंग करके फिर जो है आपका ये निकाल ली जाती है तो इट इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये आपका पूछा जा सकता है लेकिन आपका स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में पूछा जाएगा आपका सिल्क प्रोडक्शन के बारे में जब हम आपका एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं कि एनिमल को किस किस चीज के लिए हम लोग यू नो यूज कर सकते हैं तो वहां पर आपका जो है सेरकल्चर आपका एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट बनाता है तो ये क्वेश्चन इस टॉपिक का तो बिल्कुल नहीं है ऑर्गन पाइप कोरल पाइप का मतलब होता है ट्यूब तो मैंने अपना टाइम पे ट्यूबी पोरा इस तरीके से याद किया था दैट पाइप इज ट्यूब सो इट्स ट्यूबीपोरा राइट सो इट्स अ कोरल इट मीनस डेट आपका पॉरीफेरा की बात हो रही है कोरल रिप्स की बात हो रही है ओके चलिए सो थैंक यू मच वॉर्चिंग दिसियो लॉर्ड्स ऑफ लव टू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग अ पार्ट थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी सो वेल अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में चैनल को यार अगर, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि फोर्टी परसेंट ऑफ द व्यूअर्स ऑफ माइंड हैज नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट यानी कि चालीस परसेंट लोग अभी तक सिर्फ देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई एंड और अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलेगा एवरी मॉर्निंग एवरी आफ्टरनून एवरी इवनिंग दिन की तीन चार वीडियो आती है मेरी तरफ से तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार एंड थैंक यू सो मच मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कल स्टार्ट करेंगे लास्ट पंद्रह ईयर के क्वेश्चन पेपर और तीस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैं एक जुगाड़ बैठाने वाला हूं वो जुगाड़ बहुत बेहतरीन होने वाला है तुम्हें बहुत पसंद आएगा और वैसा कुछ यूट्यूब पर आज तक नहीं हुआ है दैट इज माई अश्योरेंस टू यू आप कोई भी चैनल जाके देखो आप कोई भी एजुकेटर uh, की वीडियो जाके देखो ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है जो होगा वो पहली बार होगा और हम ही करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे रैपिड जिसे कोई और कॉपी करे उससे पहले तो धमाका मचा के निकल जाएंगे अपन लोग सही चलो यार बाय बाय